हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। ए और बी दो रिएक्टेंट है जो आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि ए का एक मॉलिक्यूल बी का एक मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आप 10 मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका भी 10 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो ए और बी का दोनों का 10-10 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में। लेकिन ए का अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और बी का 10 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तब क्या होगा? दोनों खत्म हो जाएगा या एक खत्म हो जाएगा, एक बचा रह जाएगा? तो पहले जब हम लोग देखे थे, ए का एक एक मॉलिक्यूल था, ए और बी का एक एक मॉलिक्यूल था। अब क्या है? ए का 100 और बी का 10। तो बी का 10 मॉलिक्यूल ए के 10 मॉलिक्यूल से ही रिएक्ट करेगा। बी का 10 मॉलिक्यूल ए के 10 मॉलिक्यूल से ही रिएक्ट करेगा। उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि रिएक्शन में जब बी खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। उस समय ए का भी 10 मॉलिक्यूल्स ही कंज्यूम होगा। दैट मीन बी के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ ए का 10 मॉलिक्यूल्स ही रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा। तो इसका 90 मॉलिक्यूल्स जो है वो बचा रह जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? जिसके कारण रिएक्शन रुक गया, स्टॉप हो गया, लिमिट हो गया। तो वो हम लोगों के लिए इस इक्वेशन में, इस केमिकल रिएक्शन में बी है, क्योंकि बी का अमाउंट कम था, बी पहले खत्म हो गया, पहले फिनिश हो गया, तो इसके कारण रिएक्शन लिमिट हो गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर हम लोग उसको डिफाइन करें लिमिटिंग रिएजेंट को, तो क्या कहेंगे? द रिएक्टेंट और रिएजेंट विच limit a chemical reaction is called limiting reagent। उसे हम लोग limiting reagent कहेंगे, जिसके कारण reaction जो होता है वो रुक जाता है, stop कर जाता है। अब एक हम लोग example देखते हैं NCERT के exercise का 1.24 question। question काफी बड़ा है, तो आप वो book से देख लीजिएगा। हम आपको सीधे यहाँ बताते हैं क्या है इक्वेशन। उसमें इक्वेशन ऐसा है कि N2 और H2 कंबाइन करके NH3 का फॉर्मेशन करता है। तो आपको बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2000 ग्राम है N2 का, 1000 ग्राम है H2 का। क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 2000 ग्राम N2 का लिया जाए, नाइट्रोजन का, और 1000 ग्राम अगर हाइड्रोजन का लिया जाए, तो कितना ग्राम NH3 का फॉर्मेशन होगा और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, यह हमें बताना है। साथ ही हमें यह बताना है कि कौन सा रिएक्टेंट बचा रह जाएगा और कितना बचा रह जाएगा। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले हमको यह बताना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, NH3 का कितना प्रोडक्शन होगा यदि हम लोग 2000 ग्राम N2 का ले और 1000 ग्राम H2 का ले, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा रिएक्टेंट बचा रह जाएगा और कितना बचा रह जाएगा। तो कैसे बनेगा? तो उससे पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, N2 का मोलर मास, और मोलर मास का वीडियो पहले बना हुआ है, ऐसे आप थोड़ा क्विकली देख लीजिए इसको। नाइट्रोजन का एटोमिक मास 1, तो 1 इंटू 2, सॉरी नाइट्रोजन का एटोमिक मास 14 इंटू 2, 28। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, यहाँ हाइड्रोजन का नंबर टोटल 6 है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 6 हाइड्रोजन का 6, तो ये हो गया 6। N का अभी बताएं 14, हाइड्रोजन का भी बताएं 1, तो 1 इंटू 3 अब प्लस 14, 17, और 2 मॉलिक्यूल्स है इसलिए 34। तो आप देखिए 28 ग्राम नाइट्रोजन
6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके 34 ग्राम NH3 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंस 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 28 ग्राम 6 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है। हम लोगों के पास गिवन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 2000 ग्राम। तो हम ये देखेंगे कि अगर 28 के लिए 6 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए तो 2000 ग्राम के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए। तो 2000 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन विथ क्या हो जाएगा, 6/28 × 2000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये हम लोग का आता है 428.57 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। थोड़ा एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोगों के पास हाइड्रोजन 1000 ग्राम है, नाइट्रोजन 2000 ग्राम है। अगर 2000 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो तो उसके लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, 428.57 ग्राम। हम लोग पास अवेलेबल कितना है, 1000 ग्राम। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन को लेकर, 1000 ग्राम हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए कंप्लीटली कितना नाइट्रोजन चाहिए। तो फिर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखिए, 6 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विथ 28 ग्राम नाइट्रोजन, हेंस 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ 28/6 × 1000 ग्राम नाइट्रोजन। ये हम लोग का आता है 4666.67 ग्राम। अब देखिए 1000 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली कंज्यूम होने के लिए नाइट्रोजन का इतना अमाउंट चाहिए, 4666.67, जबकि हम लोग के पास नाइट्रोजन 2000 ग्राम ही है। तो 1000 ग्राम हाइड्रोजन खत्म नहीं होगा रिएक्शन में, लेकिन 2000 ग्राम 2000 ग्राम नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा। यानी पहले 2000 ग्राम नाइट्रोजन ही खत्म होगा, हाइड्रोजन खत्म नहीं होगा। यानी हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, नाइट्रोजन। हालांकि देखने में लगता है कि इसका अमाउंट ज्यादा है, डबल है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट ये है। तो यहाँ हम लोग कह देंगे लिमिटिंग रिएजेंट इज नाइट्रोजन। अब है कि लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पहले खत्म हो रहा है, ठीक है। तो NH3 का प्रोडक्शन कितना होगा, तो फिर देखेंगे 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 34 ग्राम NH3, हेंस 1 ग्राम में निकाल लीजिए और फिर कितना 2000 ग्राम नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस 34/28 × 2000 ग्राम NH3। ये जो आएगा ये NH3 का अमाउंट हुआ। अब एक क्वेश्चन ये था कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है, और लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट पे ही फाइनल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन का अमाउंट डिपेंड करता है। तो NH3 का निकाल लिया हम लोग, N2 का यूज करके, हाइड्रोजन का यूज नहीं किए, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करता है। और तीसरा है कि कौन रिएक्टेंट बचा रह जाएगा, तो हाइड्रोजन बचा रह जाएगा, और कितना बचा रह जाएगा, तो जब 2000 ग्राम नाइट्रोजन यूज हो रहा है उस समय हाइड्रोजन कितना यूज हो रहा है, तो 428.57 ग्राम। तो कितना बचा रह जाएगा, तो 1000 में से इसे माइनस कर लेंगे। तो एक लाइन लिख लेते हैं, H2 will be left behind, और कितना अमाउंट ऑफ H2 लेफ्ट बिहाइंड इज इक्वल टू 1000 - 428.57 ग्राम। ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन। तो लिमिटिंग रिएजेंट देखे हम लोग, उसका एक न्यूमेरिकल देखे,
और इसका आप न्यूमेरिकल बनाइए, और अगर नहीं बनता है या किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए।